أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله आज हम अल्लाह के फल से ईदाजी मना रहे हैं यानी कुर्बानी की ईद उस कुर्बानी की याद में ईद जो हज़ारों साल पहले बाप बेटे और माँ ने दी थी ये कोई वक्त की नहीं थी बल्कि मुसलसल कई सालों पर फैली हुई कुर्बानी थी और हजरत अलैहिस्सलाम ने बीवी और लाडले, लाडले बेटे को एक बिया हो गया जगह में छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था और बीवी को जब पता चला कि हम इस जगह अल्लाह ताला की खातर छोड़े जा रहे हैं तो उसके ईमान का भी क्या आलम मै अर्थ तो बड़े यकीन से और अज़ुम से कहा कि फिर जाओ अगर लल्ला त हुक्म से ये सब कुछ है तो फिर ख़ुद हमें ज़ाया नहीं करेगा और फिर दुनिया ने देखा अल्लाह ताला ने उन्हें ज़ाया नहीं किया वहीं पानी का भी इंसाम कर दिया मुस्तिल इंतजाम बल्कि कर दिया जो आज तक चल रहा है खुराक का भी इंसाम कर दिया बल्कि एक शहर उस रेगिस्तान में आबाद कर दिया और फिर अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक हर जरूरत की चीज़ वह मुहैया कर दी दुनिया के हर किस्म के फल और नेमतें वहाँ जमा कर दी हर साल लाखों लोग हज के लिए वहाँ जाते हैं और वहाँ जमे का फरीज़ा अदा करते हैं जहाँ वहाँ दुनियावी नियमतों से फ़ायदा उठाते हैं सारा साल उम्र के लिए भी लोग जाते रहते हैं कहाँ तो गया वो, वो गया जगह थी और कहाँ लाखों लोगों के रोज़गार फैया है और करोड़ों लोग करोड़ों लोगों को ख़ुराक मैसरा हुआ बस ये है अल्लाह ताला के वादे पूरे करने का इजहार कि एक वादा किया और एक निशान के तौर पर उसकी चमक दिखला दी उसमें वो नबी पैदा किया अपने वादे के मुताबिक जिस पर करोड़ों लोग रोजाना दरुदसलाम भेजते हैं आज और तक और क़्यामत तक भेजते चले जाएंगे अल्लाह ताला ने अपने इस प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम को फरमाया था कि तू दुनिया के लिए बशीर और नज़ीर के तौर पर भेजा गया है ना कि बाकी अम्ब्या की तरह सिर्फ़ महदूद इलाके और ज़माने के लिए तो फिर ऐसे इंज़ाम भी फरमा दिए कि उस ख़ातम्ब्या और आखिरी रसूल के पैगाम को भी दुनिया के हर मुल्क में पहुँचा दिया थोड़े से अरसे में एक वसी इलाके पर इस्लाम को पगाम पहुँच गया और अब दुनिया घर कोने में पहुँचा हुआ है उसके मानने वाले वहाँ पैदा करती है दुनिया घर कोने में चार हज़ार साल पहले हजरत इब्राहिम इस्लाम और हजरत की दुआओं को कबूल करते हुए जो वादा फरमाया था उसको अजीम शांत तरीके पर पूरा किया बस ये हैं खुदा तला के काम जो उसकी तरफ़ झुकता है उसके हुक्म पर अमल करता है उसकी रज़ा की खातर हर कुर्बानी के लिए तैयार होता है वो सच्चे वादों वाला उससे अपने प्यार का इजहार भी करता है आज दुनिया में कोई दिन नहीं जिसके मानने वाले उसके बानी और नबी की लाई हुई तालीम पर हकीकी तालीम पर अमल कर रहे हों किसी नबी पर उतरी हुई कोई किताब नहीं और अकाम नहीं जो अपनी असली हालत में कायम हों किसी नबी पर उतरी हुई कोई किताब नहीं ये सिर्फ़ कुरान करीम ही है जिसके बारे में खुदा ताला ने हज़त मोहम्मद रसूल सल वल से वादा फरमाया था कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा और उसे अपनी असली हालत में कायम रखूँगा और आज चौदह सौ साल से ज्यादा गुजरने के बाद भी बावजूद मुखालफी इस्लाम की कोशिशों के ये वाद सहीफा है जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है बावजूद इसके कि इस दौरान मुसलमानों की अक्सरीत की अमली हालत में इनहत पैदा हो गया लेकिन कुरने करीम की हिफाजत करने वाले उसकी तालीम पर अमल करने वाले खुदा पैदा फरमाता रहा और हमेशा पैदा फरमाता रहेगा आजरत सल वसम से भी अल्लाह त वादा फरमाया था कि आपकी शरीयत, आपकी तालीम, आप पर उतरी हुई किताब की हिफाज़त के लिए अल्लाह ताला तखरी ज़माने में भी एक ऐसा इंसान पैदा करेगा जो दीन को स्रैया से ज़मीन पर वापस लाएगा और क़ुरान करीम की हकूमत हज़रत मोहम्मद रसूल अलैहि वसल्लम की हकूमत और ख़ुदा की कीत को दुनिया में कायम करेगा खुदा ताल के शरीक बनाने वालों के मुँह भी हज़रत मोहम्मद रसूल अलैहि वसम की लाई हुई तालीम की रोशनी में दलाइल औरब्राहीम से बंद करेगा और खुदा ताली के वजूद के मुनकरीन के मुँह भी दलाइल और ब्राहीम से बंद करेगा और अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक तकमील अशात दीन और इस्लाम की बरतरी तमाम अदयन पर साबित करने के लिए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक और आशिक के सादिक को मबूस फरमाया आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही गुलाम सादिक है जिसने ऐलान किया कि मैं वही मसीह माऊद और महदी माऊद हूँ जिसके आने की पेशगोई आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी यही अल्लाह ताली का पलवान है जिसने ना सिर्फ़ इस्लाम की खूबसूरत तालीम पेश करके इस्लाम का हुस्न लोगों को बताया बल्कि हर मुखालिफ को चैलेंज दिया कि कोई और दीन और मज़हब नहीं है जो इस्लाम जैसी खूबसूरत तालीम पेश कर सके अगर है तो मुकाबले पर लाओ फिर देखो किस तरह ब्राहन और दलाइल दलाइल और खुदा ताली की खास तइद के साथ मैं उसको रद्द करके दिखाऊंगा। उसे हजीमत उठानी पड़ेगी साथ ही मुसलमानों को भी दल्किन फरमाई कि ये जंग व जदल का नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से इस्लाम की तालीम को फैलाने का ज़माना है ये अमन व सलामती और रोशन दलाइल के साथ इस्लाम की तमाम अध्यान पर बर्तरी साबित करने का ज़माना है ये ऐलान किया कि यही ज़माना इस्लाम के ऊफ़ का ज़माना था जिसमें अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक और आ हज़रत अलैहि वसम की पेशगोई के मुताबिक उस मर्द मर्द मैदान ने दुनिया में आना था जिसने इस्लाम की तालीम की आया नौ करनी थी फॉर्म फ़रमाया कि अगर मैं ना आता तो कोई और आता लेकिन ये बात यकीनी है कि अल्लाह ताला की तरफ़ से आने वाले का यही वक्त था बस मुसलमानों को फरमाया कि तुम खुश हो कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की सानिया के लिए उस शख़्स को वक्त और भेज दिया और बजाय इस जरीुल्ल की मुखालफत करने के उसके साथ जुड़ इस्लाम की तलीम को दुनिया में फैलाओ ये आपने मुसलमानों का अपनी खुद साख्तः रसूमात और बेदाद को ख़त्म करो और उस तलीम पर अमल करो जो इस्लाम की हकीकी और असल तलीम है कि यही रास्ता मुसलमानों के लिए भी राय नजात है और यही रास्ता दुनिया के हर शख्स की बका की जमानत है लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज मुसलमान इनकी अक्सरीत बजाय इसके कि अल्लाह ताला का शुक्र करते हुए अल्लाह के उस फरिश्तादे के साथ जुड़कर इस्लाम की तालीम को दुनिया के तुलज में फैलाने के लिए आगे बढ़ते अल्लाह ताला के इस भेजे हुए और फरिश्तादे की मुखालफत में कमर बसते हैं और बजाय इसके कि अपने आबा आबा की कुर्बानियों को सामने रखते हुए इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाले हाथों को रोकने की कोशिश करते और अल्लाह ताला की रजा हासिल करने वाले बनते मुसलमान ना सिर्फ़ आपस में एक दूसरे के खून पर तुले हुए हैं बल्कि जो शख़्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी में दुनिया में अमन और सलामती को कायम करने आया है उसकी इस हद तक में बढ़े हुए हैं कि गुजशत सवा सौ सा साल से ज़्यादा अरसा से इसके मानने वालों को के कत्ल के फते दे रहे हैं उस पर कुफर के फते लगा रहे हैं मानने वालों को कत्ल कर रहे हैं इनकी जयदादें लूट रहे हैं इन पर मुशी तंगियाँ वारित करने की कोशिश कर रहे हैं ये कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला खतल फरमाता है एक जगह से रोकते हैं दूसरी जगह से अल्लाह ताला नवाजता तो चला जाता है इनके बच्चों में बच्चों में बच्चों को स्कूलों और गलियों में तंग किया जा रहा है उनमें खौफ और आस पैदा करने की कोशिश की जा रही है हत्या के मर्दों की कब्रें उखेड़ कर उनकी बेहुलती की जा रही है ये कौन सा इस्लाम है जो ये लोग दुनिया में फैलाना चाहते हैं इस्लाम तो अमन और सलामती का मजहब है इस्लाम तो मोहब्बत और प्यार का मजहब है आज की ईद जिनकी वजह से मनाई जा रही है वो तो अपनी आज़ादी अपनी इज्जत अपनी जान खुदा ताला के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हुए थे उन्होंने जिस शहर की ख़्वाहिश की थी या ये दुआ की थी कि यहाँ शहर बन जाए तो ये दुआ की थी कि रबी जल हाजा वलदन आमिन किए मेरे रब इस जगह को एक पुरमन शहर बना दे ताकि जो यहाँ रहने वाले हों जो यहाँ आने वाले हों, अमन और सलामती से रहने वाले और अमन व सलामती के फैलाने का ख्याल रखने वाले हों बस क्या ये दुआ मुसलमानों से तकाजा नहीं करती कि अगर इस शहर की तरफ मंसूब होते हैं अगर काबा की इबादत करते हैं अगर हज़रत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों और ख़ाना काबा के कयाम के मकसद को पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं तो फिर अपने दिलों में भी अमन और सलामती और प्यार और मोहब्बत के शहर बसाएँ एक दूसरे की गर्दनें काटने के बजाय रुहमा बहना हों के नमूने पेश करें दुनिया की सलामती और अमन दुनिया को सलामती और अमन का पैगाम दें ज़माने के इमाम मसीह माऊद और मेहदी माऊद जो अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक आया उस पर कुर के फतह लगाने और उसके मानने वालों पर लर्तदी करने के बजाय आज के दिन की ईद को अमन व सलामती के पैगाम से और मसीह मऊद की बैत में आकर हकीकी ईद बनाएँ अगर ये सोच पैदा नहीं करेंगे तो लाख ईदें बनाएँ वो इस्लाम की तलीम के मुताबिक मनाने वाली ईदें नहीं हैं जितने चाहे हज कर लें वो अल्लाह ताला की तालीम के मुखालिफ चलने वालों के हज हैं सोचें और गौर करें जिस तरह वाक़्यात में पुराने वाकिया में पहलों के हज उनकी ज्यादती की वजह से अल्लाह ताला के तजूर मकबूल ना होने के रवायात मिलती हैं कहीं हमारी बातों और हज के मनासिक बावजूद सब कोशिशों के सिर्फ़ इस यादति की वजह से जो आज कल मुसलमान कर रहे हैं अल्लाह ताला के हज़ूर मकबूल होने से रह तो नहीं जाएंगी सोचें गौर करें कहीं कलमा पढ़ने वाले और अपने आप को खुदा वाहिद और मोहम्मद रसूल सल वल् पर ईमान लाने वाले को हज और दूसरी इबादत से रोकना उन्हें खुदा तै की पकड़ में लाने वाला ना बना दे और अब तो पाकिस्तान में बाकायदा इंतज़ामिया की तरफ से भी बाज जगह ऐलान किया गया है कि ईद के तीन दिन कोई अहमदी किसी जानवर को ज़िबा नहीं कर सकता चाहे कुर्बानी के लिए हो या किसी भी मकसद के लिए हो क्योंकि इस तरह इस्लामी शायर की बेहरमती होती है नाजबिल्लाबानियाँ अगर एहमदी करते हैं तो ये कुर्बानी सिर्फ इन नाम नहाद मुसलमान वमा का हक़ है सिर्फ़ उन लोगों का हक़ है जिन पर ये वलमा मुसलमान होने की मोहर सब्द करें इन लोगों के लिए उस मोहर की कोई हकीक़त नहीं जो अल्लाह तसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्ला वसम की एक शख्स को मुसलमान बनाने और कहने की मोहर है बहरहाल जब ऐसे हालात अपने इंतहा को पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला की लाठी भी चलती है। और फिर वो हर एक से चाहे वो बड़ा आलम है ना नाम न्याज आलम या सबसे बड़ा लीडर है या बहुत कोई बहुत अफसर है जो भी म वदी में बढ़ता है उसे पीस कर रख देती है उसका कला कमा कर देती है हम अहमदी तो कुर्बानी करने वाले हैं इन ईदों और अपनी तारीख से हमने कुर्बानियों के सबक सीखे हैं और जान माल वक्त और इज्जत को कुर्बान करने के हमने अहद भी किए हैं लेकिन बाज़ कमज़ोर तबा भी होते हैं उन अहमदियों से भी मैं कहता हूँ कि सब्र और दुआओं से काम लें लेकिन ये दुआएँ एक दिन फल लाएँगी इनशा हजरत अलैहिस्सलाम हजरत आजरा हजरत की कुर्बानियां भी फल लाई थी लेकिन उन्होंने सब्र और दुआ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था फिर हज़रत इसमाइल आसमाम की नस्ल से आने वाली वाले अजीम रसूल और उनके सहबाई कुरबानियाँ भी अपने वक्त पर रंग लाईं और ताला ने अपने वादे पूरे फरमाए बस क्या आज वो सच्चे वादों वाला खुदा हमें छोड़ देगा यकीन नहीं आज भी वो अपने अपने पर ईमान और यकीन रखने वालों और मजलूमों की मदद को आएगा आज दुश्मन बेशक अपनी ताकत के जोम में हम पर जुल्म याति कर रहा है लेकिन खुदा तला के सामने उसकी ताकत की ज़रा भर, भर भी हसीियत नहीं बस हमारा फ़र्ज है कि पहले से बढ़कर अल्लाह ताला के सामने झुकें उसकी इबातों के मैार काम करें उसकी मखलूक के हकूक़ अदा करें अपनी कुर्बानियों को सिर्फ़ और सिर्फ और ताली के हजूर पेश करने के लिए तैयार रहें अपने तकवा के मैार बढ़ाएँ हकीकत में उस रूह को हासिल करने की कोशिश करें जो ईस के जो इस ईद के मनाने की रूह है और जो इस ईद पर कुरबानियाँ करने की रूह है तभी हम अपने मुखालफी का मुकाबला कर सकते हैं तभी हम अल्लाह के फजल को जज्ब कर सकते हैं और जज्ब करते हुए उन वादों को पूरा होते देख सकते हैं जो अल्लाह ताला ने हजरत तजरत वसीमलाम से फ़रमाए थे कुर्बानियों के इस को हासिल करने का तरीक़ बताते हुए और कुर्बानी का फलसफा बयान फरमाते हुए हज़रत मसीम्सम एक जगह फरमाते हैं खुदा ताली ने शरियत इस्लाम में बहुत से ज़रूरी अहकाम के लिए नमूने कायम किए हैं चुनाचों इंसान को ये हुक्म है कि वो अपनी तमाम कुतों के साथ और अपने तमाम वजूद के साथ खुदा ताली की राह में कुर्बान हो यह है कुर्बानी का मैार ये है हमें अपने जायज़े लेने की ज़रूरत रुमायापहरी कुर्बानियाँ इस हालत के लिए नमूना ठहराई गई हैं भेड बकरियों की जो कुर्बानियाँ हैं ये तो एक नमूना है असल कुरबानी की लेकिन असल गर्ज यही कुरबानी फरमाया असल गर्ज़ यही कुरबानी है जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है लाई या ना लहू मुहा वला दिमाऊ वला कि या ना लहु तकवा मिनकुम यानी खुदा को तुम्हारी कुर्बानी और गोश्त नहीं पहुँचता और खून पहुँचता है यानी उससे इतना डरो कि गोया उसकी राह में मर मर ही जाओ और जैसे तुम अपने हाथ से क़ुरबानियाँ िबा करते हो उसी तरह तुम खुदा की राह में ़िबा हो जाओ जब कोई तकवा इस दर्जे से कम है तो अभी वो नाकस है बस ये है हमारे सोचने और जायज़े लेने का मुकाम बहुत से जल्दबाज बज दफ़ा लिख देते हैं कि हमारी दुआएं और हमारी कुर्बानियाँ कबूल नहीं हो रही पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला का हजरत मसिम्स तो से वादा है अल्लाह ताला कभी अपनी आ, कभी आपकी जमात को नहीं छोड़ेगा और दुआएं भी कबूल होंगी और कुर्बानियाँ भी कबूल होंगी इन लेकिन हम में से हर एक को भी अपने जायज़े लेने चाहिए कि क्या हमने अपने तकवा के मैार को इस हद तक बढ़ा लिया जो हज़र ने बयान फरमाया है बस हमें किसी भी किस्म की मायूसी और बेचैनी के बजाय अल्लाह ताला की तरफ पहले से बढ़कर झुकना चाहिए अल्लाह ताला से रहम भी मांगना चाहिए कि जो भी कुर्बानियाँ और इबादतें हैं उन्हें अल्लाह रहम और फजल से कबूल भी फरमाए हज़रत मसीीम सलाम सिद्क और वफादारी के ज़रिए अल्लाह ताली का कुरब हासिल करने का ज़िक्र करते हुए एक जगह फरमाते हैं कि खुदा ताला का कर्ब हासिल करने की राय यह है कि इसके लिए सिद्क दिखलाया जाए हज़रत इब्राहीम ने जो कर्ब हासिल किया तो उसकी वजह यही थी चुनाच फरमाया व इब्राहीमल वफ़ा इब्राहिम वो इब्राहिम है जिसने वफादारी दिखाई खुदा ताला के साथ वफादारी और सिद और अखलास दिखाना एक मौत चाहता है फरमाया जब तक इंसान दुनिया और उसकी सारी लजतों और शौकतों पर पानी फेर देने को तैयार ना हो जाए और हर जिल्लत और सख्ती और तंगी खुदा के लिए गवारा करने को तैयार ना हो ये सिर्फ पैदा नहीं हो सकती बुद्ध पर फरमाया बुद्ध परस्ती यही नहीं कि इंसान किसी दरख़त या पत्थर की प्रस्तश करे बल्कि हर एक चीज़ जो अल्लाह ताला के कुर्ब से रोकती है और उस पर मुकदम होती है वो बुद्ध है और समय जायज़े लेने चाहिए कि क्या हम इस चीज़ को सामने रखते हुए अपने नफ्सों का जायज़ा लेते हैं इसकी असलाह करने की कोशिश करते हैं और हमारा और इसका कदर बुत इंसान अपने अंदर रखता है कि उसको पता भी नहीं लगता <coughs> कि मैं बुतप्रस्ती कर रहा हूँ बस जब तक खालिस खुदा ताली ही के लिए नहीं हो जाता और उसकी राह में हर मुसीबत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता सिद्क और अखलास का रंग पैदा होना मुश्किल है इब्राहीम को जो ये ख़िताब मिला ये यूँ ही मिल गया था नहीं इब्राहीम जी वफ़ा की आवाज़ उस वक्त आई जबकि वो बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गया अल्लाह ताला अमल को चाहता है और अमल ही से राजी होता है और अमल दुख से आता है फरमाया अमल दुख से आता है लेकिन जब इंसान खुदा के लिए दुख उठाने को तैयार हो जावे तो खुदा उसको दुख में नहीं डालता इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म की तमील के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर देना चाहा और पूरी तैयारी कर ली तो अल्लाह ताला ने उसके बेटे को बचा लिया वो आग में डाले गए इब्राहीम इस्लम लेकिन आग उन पर कोई असर न कर सकी फरमाया अगर कोई अल्लाह ताला की राह में तकलीफ़ उठाने के लिए तैयार हो जावे, तो खुदा ताला तकलीफ से बचा लेता है बस अगर हम सब्र दुआ सिद्को वफा के साथ उसके दर पर झुके रहेंगे तो यकीनन वो दौड़ता हुआ हमारी तरफ़ आएगा और दुश्मन जो अपनी ताकत के ज़ोम में हम पर फुल रवा रखे हुए है उसे मिलिया मिल कर देगा बस इसी इसी ईद पर हमें भी अपनी कुर्बानियों वफाओं और सिद और तकवा के मैारों के जायज़े ले लेने जायज़े लेने चाहिए मिलहस जमात जितना ज़्यादा अपने जायज़े लेने और अपनी हालतों को बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे उतनी जल्दी अल्लाह ताला की मदद और नुसरत और तायद के नज़ारे भी हम देखेंगे बस इसके लिए भी आज ख़ास तौर पर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे सित को वफा और तकवा के मायारों को बढ़ाए और हम वो बन जाएं जो वो हमारे से वको रखता है और दुआ के साथ अपने अमल भी उस तालीम के मुताबिक करें और सिर्फ सिर्फ़ी दौर पर ही नहीं बल्कि अमली तौर पर भी हमारा हर मर्द औरत और बच्चा कुर्बानी का वो मैार हासिल करने वाला हो जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क़ायम किए थे तभी हम उस बैत का हकदा करते हुए उसके फैस भी हिस्सा पाने वाले होंगे जो हकीकत में हज हजरत मुसीमलात तो से जुड़ने वालों को मिलना चाहिए इस बारे में ईद से मतलब हजत मुसीम तो की सुरक्षात को भी हमें हमेशा सामने रखना चाहिए जिसमें आप फरमाते हैं कि ये ईद अज पहली ईद से बढ़कर है और आम लोग भी इसको बड़ी ईद तो कहते हैं लेकिन मेरे सोच कर बताओ सोच कर बतलाओ कि ईद की वजह से किस कदर हैं जो अपने तजकिया नफ्स और तजकिया कल्ब की तरफ मुतव होते हैं और रूहानियों से हिस्सा लेते हैं और उस रोशनी और नूर से हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं जो इस दुहा में रखा गया है फरमाया ये ईद जिसको बड़ी ईद कहते हैं एक अजीम शान हकीकत अपने अंदर रखती है और जिस पर अफसोस के तोज़ो नहीं की गई बस हमें हर वक्त हमेशा याद रखना चाहिए कि इस ज़माने में इस्लाम की नशत सानिया के लिए जिस रोशनी को अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा है उससे फैस पाने के लिए हमें अपने जायज़े लेते रहना चाहिए और तज़के नफ्स और तो उसके अकल्प करते हुए ये देखना चाहिए कि इस्लाम की हकीकी तालीम को अपने ऊपर लागू करने के साथ दुनिया में फैलाने के लिए भरपूर कोशिश हम किस हद तक कर रहे हैं अगर हम ये कर रहे होंगे तो हमारी कुर्बानियाँ भी मकबूल होंगी और हम जुहा से भी फैस पा रहे होंगे अल्लाह ताला हमें इसकी तफीक दे ईद के वाले से एक और बात भी मैं मुख्त कहना चाहता हूँ जिसके बारे में अक्सर मुलाकातों में लोग सवाल करते हैं वो वर्चुअल मुलाकातें हो रही हैं वहाँ भी इंफरादी तौर पर भी जो ने नौकी तबीयत तर, के बारे में है किस तरह की जाए इस बारे में बेशुमार जगह मुख्त मौक़ों पर खुतबात ポルトギル મે મેં બતા ચુકા હું લેકિન મુસસિર આજ ફિર ઇસ્તિતજા દિલા દું યે અલ્લાહ તала કા બڑا ફઝલ ઓર એહસાન હૈ પીયસ ખલીફતુ મુસીરા પે રહેમ અલ્લાહ તала કી ઇસ તારીખ પર વાલદન લેબક કહા ઓર બડી તાદાદ મે લડકે ઓર લડકિયા વખ કી કર રહે હે અભી ઓર ઇન્શા અલ્લાહ કરતે બી ચલે જાયેંગે ये नमूना इन वक्त तक कायम रहेगा जब तक जमात में अखलास वफा के नमूने कायम रहेंगे जब तक दाई इब्राहिम वफा के इर्शात पर मुखलस जमात की नज़र रहेगी जब तक जमात में निज़ाम खिलाफत कायम रहेगा और अल्लाह ताल के बादों के मुताबिक ये ताक़यामत आमत कायम रहना है तो औलाद को वफ़ करने का तरीक भी जारी रहेगा इन लेकिन वालदेन को जो अपने बच्चों को दीन की खातर वफ़ करने के लिए पेश कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वक्फ़ एक कुर्बानी चाहता है और इस कुर्बानी का मैार क्या है ये वो मैार है जो हज़रत इब्राहीम और हजरत इस्माहीसलाम ने पेश किया जब हजरत अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा कि मैंने तुझे ख़्वाब में गले पर छुरी फेरते देखा है तो उसे तो बेटे से पूछा कि अः इस्माइल, बता तेरा क्या रहता है तो बेटे ने जिसकी तरबियत बुज़ुर्ग और तकवा में बड़े हुए माँ बाप ने की थी फौरन जवाब दिया कि अः मेरे बाप तू अपनी रोया पूरी कर तो मुझे इन शाला सबर करने वालों और कुर्बानी करने वालों में से पाएगा बस वक्फ़ करते वक्त वालदे ये सोच होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को वक्फ़ के लिए पेश कर रहे हैं तो इनकी तरबियत भी उसी नहाय पर हो और उनके उनके लिए दुआएं भी हों ताकि हमारे बच्चों का जवाब भी इस्माइल इस्माइल वाला जवाब हो वालदे सिर्फ दूसरों को देखा देखी ये वक्ती जोश के तहत बच्चों को वक्फ़ न करें अपने जायज़े लें कि क्या हम इस नहज पर बच्चों की उठान कर सकते हैं कि उनका जवाब हजत इसमाईल इस्लाम वाला जवाब हो और ये उसी सूरत में हो सकता है जब वालदेन के अपने अमली नमूने नेकी और तकवा के आला अला कायम करने वाले हों वरना फिर बच्चे बड़े होकर कहते हैं कि आपने हम वक़ किया था हम इसके लिए तैयार नहीं हैं हम थोड़े से इलाउस में जमात के ख़िदमत करके गुज़ारा नहीं कर सकते फला फ़लाँ पाबंदी के साथ हम काम नहीं कर सकते इसलिए हम वक्फ़ नहीं करते अगर वक्फ करते वक्त माँ बाप की वक्फ़ करते वक्त माँ बाप की नीयत नेक भी हो लेकिन बाद में उनकी अमली और रूहानी हालत और बच्चों की तरबियत में वो अपना कमज़ोरी अमली और रूहानी हालत में कमज़ोरी हो और बच्चों की तरबियत में वो अपना किरदार अदा ना कर रहे हों तो बच्चे कभी उस कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होते बस इस लिहाज से वाक़ीन बच्चों के माँ बाप को और जो माँ बाप अपने बच्चों को वक्फ करना चाहते हैं उन्हें अपना जायज़ा लेते रहना चाहिए कि क्या वो इस मैार को हासिल करने वाले हैं इसी तरह जो बच्चे अब जवान होकर वक्फ में आ गए हैं उन्हें अगर फ़िक्र होनी चाहिए तो ये कि हम किस तरह अपनी वफ़ा और कुर्बानी के मैार को बढ़ाएँ ना ये कि हम किस तरह अपने घर का ख़र्चा चलाएँ अल्लाह ताला पर तो करें और तकवा में बढ़ें तो अल्लाह ताला ख़ुद ज़रूरियात पूरी फरमा देता है पसवा फिन नौ जो इस वक्त जमाती खिदमत में आ गए हैं उन्हें भी अपने अंदर इसमाइली सफ़ात पैदा करने पैदा करनी होगी तभी अल्लाह ताला उनके लिए हमेशा भलाई और बेहतरी के रास्ते खोलता रहेगा अल्लाह ताला वालदेन को भी अपना हक अदा करने की तौफीक दे और वक्फे नवालात को भी अपने वक्फ़ की जिम्मेदारियों को समझते हुए अल्लाह ताला, ताला पर तोल करते हुए दीन की खातर कुर्बानियाँ करने की तौफीक तवा फरमाता रहे ज़्यादा पढ़ लेकर वो दुनिया में डूब जाने वाले ना हों बल्कि दीन को तरजीह देते हुए अपने वक्फ़ के निभाते हुए वफ़ा के साथ अपनी ख़िदमत पेश करने वाले हों तफी दे अब तो हम दुआ भी करेंगे दुआ में असीरान को भी याद रखें जो जेलों में हक़ की के इजहार की वजह से जेलों में पड़े हुए हैं मुसीह मौत को मानने की वजह से जेलों में पड़े हुए हैं अल्लाह जल्द उनकी रिहाई के समान पैदा फरमाए और उनकी बीवी बच्चों की भी हिफाजत फरमाए उन सब्र और हौसला पैदा फरमाए शोदा के बच्चों के लिए भी दुआ करें अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए और कभी वाया ना हों तमाम वाकफी के लिए भी दुआ फरमाएँ जो कि अल्लाह ताला उन्हें खालिस होकर दीन की खिदमत करने की तफ़ी दा फरमाए और जो ख़दमत कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला तेहतरीन अजर दा फरमाए हर अहमदी के तक में बढ़ने के लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला से, वफा से के वफा से अला वफा के अला मैारायम करने के लिए भी एक दुआ करनी चाहिए हर किस्म की कुर्बानियां करने वालों के लिए दुआ करें माली कुर्बानियाँ करने वाले भी हैं वक्ती कुर्बानियाँ करने वाले भी हैं अल्लाह ताला सबको बेहतरीन जजा दे और दुआ करते हैं दुआ से पहले मैं सबको ईद मुबारक भी कह दूँ ईद हर लिहाज से सब के लिए मुबारक फ़रमाए और हम हकीक़त में अल्लाह ताला के फजल को जज्ब करने वाले हों अल्लाह हमारी जो भी मामूली कुर्बानी या कोशिशें हैं उनको कबूल फ़रमाए और अपनी की राहों पर हमें चलाए अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر दुआ कर लें। আমিন তালিকুম রহমতুল্লাহ